कटिहार जिले का ग्रामीण क्षेत्र भी नए वर्ष के जश्न में पूरी तरह डूबा हुआ नजर आ रहा था। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या महिला, क्या पुरुष, सभी लोग इस नए वर्ष का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही नए वर्ष की पहली सुबह की सूर्य की पहली किरणें धरती पर पहुंची, लोग उत्साह से प्रफुल्लित हो उठे। ग्रामीण क्षेत्र में नए वर्ष को मनाने का अंदाज भी बिल्कुल अलग था। जगह जगह पिकनिक मनाई जा रही थी, लेकिन खास बात तो नए वर्ष के आगमन पर इस क्रिकेट मैच के आयोजन थी। पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत के लोगों ने यह निर्णय लिया कि नए वर्ष का स्वागत क्रिकेट मैच खेल कर किया जाए। बस इसी को लेकर यहां राइजिंग स्टार क्लब बलवा की ओर से दो दिवसीय शॉर्ट स्पीच बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय टूर्नामेंट की शुरुआत कल नए वर्ष के पहले दिन की गई। और नो बॉल, नो बॉल। तैयार और यहाँ पर आउट, क्लीन बॉल। बहुत ही अच्छे बॉल माने जाएंगे हमारे मालिकवा टीम के प्लेयर टीम के। और पहला ओवर प्रगति पर टीम प्रदर्शन और यहाँ अच्छी मालिकवा टीम के प्लेयर्स भी आ रहा, लेकिन यहाँ से खेल और यहाँ हुक करना था, लेकिन लेग बाइक और एक रन के मन से बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। दूसरे ओवर प्रगति पर इस टूर्नामेंट में बिहार और बंगाल की कुल 16 टीम में हिस्सा ले रही है। इस टूर्नामेंट का फाइनल आज 2 जनवरी को खेला जाएगा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच बिहार की बाबू टीम और माली टोला टीम के बीच खेला गया, जिसमें माली टोला की टीम ने आसानी से जीत हासिल कर ली। इस टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर आयोजन कमेटी के लोगों ने बताया कि केबीसी के तमाम दर्शकों को नया साल का बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि पता है कि प्रत्येक वर्ष जो है नए साल में ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में आज अहमदाबाद प्रखंड के पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत के राइजिंग स्टार बलुआ क्लब की ओर से एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। क्या कुछ आयोजित किया गया है, कहाँ कहाँ की टीम आएगी, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहते हैं क्लब के अध्यक्ष, क्या नाम जी? मोहम्मद अनारुल हक। और यहाँ पर बहुत दिनों से यहाँ टूर्नामेंट होते आ रहा है, पिंग पोंग का खेल होते आ रहा है। और यहाँ बंगाल, बिहार, झारखंड चारों तरफ से टीम आ रही है। और यहाँ कितने टीम को आपने बुलाया? 16 टीमों के खेल है। कितने ओवर का मैच होना और 6-6 ओवर का मैच होना है। फाइनल कब खेला और जाएगा? फाइनल 2 तारीख को। यानी आज फाइनल नहीं है? जी नहीं। कितने दिन का है? 2 दिन का। 2 दिवसीय? जी 2 दिवसीय। जिस तरह से इन्होंने बताया कि 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, हमारे साथ बात करने के लिए समाज सेवी शेख सद्दाम हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। युवा चेहरा हैं और युवाओं के दिल में मुझे लगता है कि अहमदाबाद प्रखंड में आप राज करते हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इन युवाओं को? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बात बोला। सबसे पहले आपके थ्रू मैं पूरे बिहार, सभी बिहार वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। और वाकई में ये बहुत ही, इसलिए ये सारे जो यूथ हैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी टूर्नामेंट करवाएं। दिस इज़ रियली डिजर्व
कि हम एक सीनियर होने के नाते हम अपने जूनियर्स का ख्याल रखें। अगर आप स्पोर्ट्स और एजुकेशन से दोस्ती यारी रखते हैं तो आपका समाज, आपका देश हमेशा उसका दिशा और निर्देश हमेशा बेहतर होगा, और ये बाखूबी बलवा के यूथ में ये हमेशा दिखता है। एक चीज़ बताएंगे, हमारा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ आता है, इसके बावजूद भी यहाँ की युवाओं में एक नया जज्बा देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो है कई तरह के खेल आयोजित करते हैं, इसको लेकर जो अगर सरकार कुछ करे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सरकार? बिल्कुल, मैं अपने तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे यूथ का सबसे पहला स्टेप अगर कोई होता है लाइफ बनाने के लिए, वो डिफेंस में होता है। आप कहीं भी जाएं, आप रिजल्ट देख लें हमारे बच्चों का, हमेशा अहमदाबाद प्रखंड, मनिहारी प्रखंड यानी मनिहारी अनुमंडल में अगर फर्स्ट प्रायोरिटी कोई किसी चीज़ को देता है तो वो डिफेंस, आर्मी, बिहार पुलिस या किसी में, डिफेंस में जाना हम लोगों का पहला प्रायोरिटी रहता है। तो इससे मैं ज़्यादा और क्या बोलूँ देशभक्ति के लिए, इसमें मैं गुजारिश करूँगा अपने सरकार से, अपने हर एक लोगों से कि प्लीज़ सेव माई हाउस, अगर मेरा घर ही कट जाएगा तो हम बेघर हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी बम्बू वगैरह का काम होता है उससे नहीं हो पा रहा है तो आप RCC वॉल डालें, और फिर हमारा समाज भी सेफ होगा, और फिर हम लोग और भी देश पे, देश के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे पूर्वजों भी ने मिटा है और हम भी हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। खेल को लेकर क्या कुछ कहें? खेल तो हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है, और हमारे एरिया पे क्रिकेट, फुटबॉल और ख़ास करके KBC हर जगह उपस्थित होती है, मैं देखता हूँ इस चीज़ को, और आप बाखूबी जानते हैं चाहे वो फुटबॉल का मैच हो या वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, ये सब हमारे समाज में है और हमेशा होता रहता है। और स्पोर्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्पोर्ट जितना ज़रूरी है जितना एजुकेशन ज़रूरी है और जितना खाना ज़रूरी है, यानी तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट और बाखूबी हमारे एरिया के लोग करते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से ये थे समाज सेवी शेख सद्दामा और बता रहे थे कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी अत्यंत ज़रूरी है, और ख़ासतौर से हमारे क्षेत्रों में शिक्षा के साथ साथ अब युवा पीढ़ी जो है खेल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बता दूँ एक बार फिर कि ये 2 दिन तक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा और जिसका फाइनल कल खेला जाना है। अपने सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद इम्तियाज KBC न्यूज़ के लिए। हालांकि हमारा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, फिर भी हर वर्ष हम यहां तरह तरह के खेल टूर्नामेंट का आयोजन करते रहते हैं। इन सभी टूर्नामेंट में यहां की युवा भी बढ़कर हिस्सा लेती है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मैदान पर मौजूद रहे। डिस्कवर एक्सलेंस एट मयूर स्कूल सिलीगुड़ी, प्राउडली गवर्नड बाय द मेयो कॉलेज जनरल काउंसिल अजमेर, विद अ लेगेसी ऑफ 150 इयर्स इन एजुकेशन। और 8-acre लश ग्रीन कैंपस एंड AC इक्विप्ड स्मार्ट क्लासेस ऑफर कटिंग एज लर्निंग एक्सपीरियंसेस। मयूर फॉस्टर्स अ स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स कल्चर। आवर CCTV कवर्ड कैंपस एंड GPS इक्विप्ड बसेस प्रोवाइड अटमोस्ट सिक्योरिटी टू आवर स्टूडेंट्स। Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities.